વેલકમ ટુ એસએસસી મેકર. આજે 29 ફરવરી 2020 ઓર 29 ફરવરી સે કરંટ અફેર્સ કે જીતને ભી ઇમ્પોર્ટન્ટ ક્વેશ્ચન બન સકતે હૈ સારે હમ ઇસ વિડીયો મે ડિસ્કસ કરેંગે ઓર હર ક્વેશ્ચન સે રિલેટેડ ઇમ્પોર્ટન્ટ ફેક્ટ ભી મે આપ લોગ કો બતાઉંગી. તો પૂરા વિડીયો આપ બહોત ધ્યાન સે દેખીએ. લાસ્ટ મે મે આપ સે એક ક્વેશ્ચન ભી પૂછુંગી જિસકા આન્સર આપ લોગો કો કોમેન્ટ બોક્સ મે કરના હૈ. મે ઉમીદ કરતી હું સભી બચ્ચે કરેક્ટ આન્સર લિખેંગે. તો ચલિયે શરૂ કરતે હૈ આજ કા વિડીયો. ફર્સ્ટ ક્વેશ્ચન ક્યા કહેતા હૈ. फर्स्ट क्वेश्चन है किस देश में तेल अवीव विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने एक जीव हेनेगुआ साल मिनी कोला की खोज की है. तो इसका करेक्ट आंसर है इजराइल. इजराइल इसका करेक्ट आंसर है. अब हेनेगुआ साल मिनी कोला जेली फिश के आकार का एक छोटा सा परजीवी है जो ऑक्सीजन के बिना जीवित रह सकता है. ठीक है. और यह परजीवी सालमन मछली सालमन फिश होती है उसके अंदर पाया जाता है और यह अवायवीय श्वसन पर निर्भर करते हैं. इस परजीवी में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता है. तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है बायोलॉजी से रिलेटेड करके कि किस परजीवी में माइक्रोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता माइक्रोकॉन्ड्रिया. तो इसका करेक्ट आंसर होगा हेनेगुआ साल्मिनी कोला. ठीक है. तो बात करते हैं आज के वीडियो के टारगेट की. तो टारगेट है आज का 1000+ लाइक्स जो कि आपको अचीव करना है. और अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा हेल्पफुल लगा तब वीडियो को ज़रूर ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें. चलिए मूव करते हैं सेकंड क्वेश्चन की साइड जो कि क्या कहता है. किस न्यायालय द्वारा कॉलेज एवं स्कूल परिसर में सभी प्रकार के राजनीतिक आंदोलनों पर प्रतिबंध लगा दिया. तो इसका करेक्ट आंसर है केरल उच्च न्यायालय. केरल उच्च न्यायालय ने सुनवाई के दौरान ऐसा कहा कि उसकी हियरिंग क्या थी. शैक्षणिक संस्थाएं शिक्षण संबंधी गतिविधियों के लिए होती हैं न कि विरोध प्रदर्शन के लिए और किसी भी अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने का हक नहीं है. ठीक है. और न्यायालय ने यह भी कहा कि शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है फंडामेंटल राइट है और किसी को भी उस अधिकार का उल्लंघन करने का हक नहीं है. ठीक है. भारत के शैक्षणिक संस्थानों में राजनीति का जुड़ाव भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के समय से रहा. तो आज का आपका फर्स्ट क्वेश्चन क्या है. फंडामेंटल राइट्स कौन से आर्टिकल तक हैं और यह कौन से कॉन्स्टिट्यूशन से बोरो किए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में. ठीक है. और कौन से पार्ट में हैं. चलिए मूव करते हैं थर्ड क्वेश्चन की साइड जो कि है. कितने करोड़ रुपए की कुल लागत वाले राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन की स्थापना को मंजूरी दी गई है. तो इसका करेक्ट आंसर है 1480 करोड़ रुपए. वित्त मंत्री जी हम वित्त मंत्री कौन निर्मला सीतारमण ने इस मिशन की स्थापना का प्रस्ताव सबसे पहले अपने बजट भाषण के दौरान रखा था और राष्ट्रीय तकनीकी वस्त्र मिशन को 4 साल की अवधि 2020 से 2024 तक कार्यान्वित किया जाएगा जिसकी अनुमानित लागत लगभग 1480 करोड़ रुपए है. ठीक है. और इसके मुख्य उद्देश्य की बात करें तो इसका उद्देश्य है भारत को तकनीकी वस्त्र के क्षेत्र में एक वैश्विक लीडर के रूप में स्थापित करना. ठीक है. तकनीकी वस्त्रों का उपयोग कृषि वैज्ञानिक शोध चिकित्सा सैन्य क्षेत्र उद्यम तथा खेल कूद के क्षेत्रों में व्यापक पैमाने पर होता है. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है 1480 करोड़ रुपए. चलिए मूव करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की साइड जो कि क्या कहता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किस देश के प्रधान राष्ट्रपति यू विन मित के साथ 10 समझौतों पर हस्ताक्षर किए. तो इसका करेक्ट आंसर क्या है. इसका करेक्ट आंसर है म्यांमार. म्यांमार इसका करेक्ट आंसर है. भारत के प्रधानमंत्री कौन श्री नरेंद्र मोदी जी उन्होंने म्यांमार के राष्ट्रपति कौन मिंत यू विन मिंत के साथ हैदराबाद हाउस में जो वार्ता हुई उन दोनों की तथा उन दोनों देशों के बीच 10 करार समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए और अधिकतर समझौतों में म्यांमार में खासकर संघर्ष प्रभावित रखाइन प्रांत में भारत की सहायता के तहत चल रही विकास परियोजनाओं पर ध्यान केंद्रित किया गया. ठीक है. अब बात करते हैं समझौतों में मानव तस्करी की रोकथाम हेतु सहयोग तस्करी पीड़ितों को बचाने के लिए खोजने के लिए वापसी के लिए और पुनः मुख्यधारा में शामिल करने पर एक अहम MOU साइन किया गया है. मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग
ज्ञापन, समझौते का ज्ञापन हिंदी में कुछ ऐसा कहते हैं, बट इंग्लिश में मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है, सो एमओयू भी शामिल है इसमें। चलिए देखते हैं फिफ्थ क्वेश्चन क्या कहता है। फिफ्थ क्वेश्चन है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती उर्दू अरबी फारसी, अरबी फारसी विश्वविद्यालय का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की गई है। तो इसका करेक्ट आंसर है ए, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती भाषा विश्वविद्यालय इसका करेक्ट आंसर है। अब ये कहाँ पर है, ये है उत्तर प्रदेश में, यूपी में, ठीक है, ये कहाँ पर है, यूपी में है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नाम के बदलाव में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के नाम बदलने का फैसला गवर्नर, कौन वहाँ के गवर्नर की बात करें, आनंदीबेन के सुझाव पर लिया गया है। उन्होंने इस सिलसिले में पिछले साल राज्य सरकार से विचार करने को भी कहा था, जिसके बाद कैबिनेट ने राज्य विश्वविद्यालय कानून 1973 में बता देती हूँ 1973 राज्य विश्वविद्यालय कानून 1973 में संशोधन किया था, और राज्य सरकार के अनुसार राज्य में भाषा की पढ़ाई कर रहे छात्रों को इस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन जाता है हर एस्पेक्ट से, पॉलिटिकल व्यू से और करंट के व्यू से, दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट बन जाता है। चलिए मूव करते हैं सिक्स क्वेश्चन की साइड, जो कि क्या कहता है, निम्नलिखित में से किस दिन राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 28 फरवरी। हर साल 28 फरवरी को देश में विज्ञान दिवस मनाया जाता है, और इस दिन वैज्ञानिक कौन, सी वी रमन ने रमन प्रभाव का आविष्कार किया था, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से भी सम्मानित किया गया था, और सर चंद्रशेखर वेंकट रमन ने 1928 को भौतिकी के गंभीर विषय में एक महत्वपूर्ण खोज भी की थी, जिसे रमन इफेक्ट या रमन प्रभाव के रूप में जाना गया। ठीक है, तो ये बायोलॉजिकल और केमिस्ट्रिकल व्यू से दोनों तरह से इम्पॉर्टेंट है, आप लोग अच्छे से पढ़िएगा इसके बारे में, रमन इफेक्ट के बारे में बहुत इम्पॉर्टेंट है। इस महत्वपूर्ण खोज के लिए 1930 में उन्हें भौतिकी के नोबल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। कब, 1930 में उन्हें नोबल प्राइज से नवाजा गया था, किनको, सी वी रमन जी को। चलिए मूव करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की साइड, जो कि है, किस कंपनी द्वारा विश्व में पहली बार इसरो का बनाया गया नेविगेशन सिस्टम NAVIC इस्तेमाल करेगी, कौन सी कंपनी। तो इसका करेक्ट आंसर है रियलमी और जियोमी सबको पता है मोबाइल की एक कंपनी है, बहुत बड़ी, बहुत बड़ा ब्रांड है। तो रियलमी और जियोमी के स्मार्टफोन द्वारा, इसरो द्वारा बनाए गए GPS टेक्नोलॉजी NAVIC का उपयोग किए जाने की घोषणा की गई है, और यह फ़ोन इसरो द्वारा बनाए गए नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन की रिपोर्ट कौन करेंगे। ठीक है, और अभी हाल फिलहाल में प्रोफेसर बनाने वाली कंपनी कॉलकॉम ने स्नैपड्रैगन 467 सीरीज के 3 नए चिपसेट्स को भी लॉन्च किया है। तो ये भी पूछा जा सकता है किस प्रोफेसर ने ये लॉन्च किया गया है, तो कॉलकॉम के प्रोफेसर ने ये लॉन्च किया है। ठीक है, तो चलिए मूव करते हैं एट्थ क्वेश्चन की साइड, जो कि है, ONGC और HPL ने किस कंपनी में 34.56% हिस्सेदारी खरीदने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर है क्या, बी, पेट्रोनेट एमएचबी इसका करेक्ट आंसर है। राज्य के स्वामित्व वाले तेल और प्राकृतिक गैस संगठन ONGC और उसकी सहायक हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड ने मैंगलोर में पेट्रोलियम उत्पाद पाइपलाइन की मालिकाना हक वाली पेट्रोनेट MHB लिमिटेड में लगभग 371 करोड़ रुपए में हिस्सेदारी खरीदी है, और ONGC और HPCL ने 185.38 रुपए में यह सौदा किया है। तो ये डेटा थोड़ा इम्पॉर्टेंट है, कई बार पूछा जा सकता है डायरेक्ट डेटा। चलिए देखते हैं नाइन्थ क्वेश्चन क्या कहता है। नाइन्थ क्वेश्चन है, किस देश ने पाकिस्तान को टिड्डी दल हमले से बचाने के लिए बत्तख दल भेजने की घोषणा की है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है, चीन। इसका करेक्ट आंसर क्या है, चीन। चीन वैसे ही बहुत ज़्यादा हाईलाइटेड है इस वक्त में, इस फेज़ में, क्योंकि कोरोना वायरस के लिए, तो चीन से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ज़रूर बन सकते हैं। अब टिड्डियों के हमले का सामना कर रहे पाकिस्तान को सहायता देने के लिए चीन ने एक अनोखा तरीका अपनाया है, बहुत डिफरेंट टेक्निक है। इन टिड्डियों का सामना करने के लिए चीन ने 1,00,000 बत्तख दल को मैदान में उतारने का फैसला लिया है।
अब चीन ने अपनी बत्तख फोर्स को सीमा पर भेज दिया। अब जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना है कि एक बत्तख प्रतिदिन 200 टिड्डियों को खा सकती है और यह एक तरह से जैविक समाधान भी है जिससे फसल को नुकसान पहुंचाए बिना ही टिड्डियों से राहत पाई जा सकती है। तो ये बहुत डिफरेंट और बहुत अच्छी टेक्निक है। अच्छा है, ये साइंस एंड टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं 10th क्वेश्चन क्या कहता है, जो कि अंतिम प्रश्न है आज का। निम्नलिखित में से किसे दिल्ली पुलिस का नया कमिश्नर बनाए जाने की घोषणा की गई है? तो इसका करेक्ट आंसर है एस एन श्रीवास्तव जी को दिल्ली पुलिस का नया मुख्य आयुक्त बनाए जाने की घोषणा की गई है और वे अमूल्य पटनायक का स्थान लेंगे। वो किसको रिप्लेस करेंगे? अमूल्य पटनायक को रिप्लेस करेंगे। ठीक है, एस एन श्रीवास्तव 1985 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और दिल्ली में हिंसा के बीच फिलहाल उनकी तैनाती दिल्ली में विशेष पुलिस आयुक्त लॉ एंड ऑर्डर के तौर पर की गई है। तो लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आई होप सबको पता होगा। इससे पहले वे जम्मू कश्मीर में सीआरपीएफ में भी तैनात थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी है, इनके बारे में ज़रूर पढ़िएगा। और लॉ एंड ऑर्डर के बारे में आई होप सबको पता होगा दिल्ली के हालातों को देखते हुए। चलिए, पिछले वीडियो का क्वेश्चन था होमवर्क के लिए, मेलानिया ट्रंप ने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में किस शिक्षा प्रणाली को देखने के लिए विशेष दौरा किया? तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? हैप्पीनेस क्लास। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ने करेक्ट आंसर लिखा है। आज के वीडियो का क्वेश्चन क्या है? अमेरिका किस देश को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार बन गया? ये चार ऑप्शन हैं। आई होप सभी बच्चे करेक्ट आंसर लिखेंगे। और ये है आज का हमारा करंट अफेयर्स का वीडियो। और हाँ, आज के टारगेट की बात करें तो आज का टारगेट है 1000+ लाइक्स। आई होप सभी अचीव करेंगे। ठीक है, अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा, हेल्पफुल लगा, तब ज़रूर ज़रूर से लाइक करें और शेयर करें। और अगर जिसने भी अभी तक एसएससी मेकर को सब्सक्राइब नहीं किया, वो फटाफट से हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जब भी आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें तो उसके बगल में एक बेल आइकॉन भी नज़र आएगा, आप उस पर भी क्लिक कर दीजिएगा ताकि सारे नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर मिलते जाएँ। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग इट। हैव अ नाइस डे।